है कि साले इनकी अब डिप्टी कलेक्टर की माँ बहन एक कर से तो गलती हो गई सर। हम लोग सर से नहीं साली साला बिहार एडमिनिस्ट्रेशन साला लाल लाइट भी है पैपे भी करेगा तो साला यहाँ का आदमी आदमी है भैया डिप्टी कलेक्टर साले का ये हाल है। अब मैं सालों की मैं अरे जरा दो चार लोग लिख के दो कागज पे साला डिप्टी कलेक्टर पे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो बिहार के कड़क आईएएस अधिकारी केके पाठक का है। मालूम हो कि इस वीडियो में केके पाठक अपने साथी अधिकारी को गाली दे रहे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। साले इनकी अब डिप्टी कलेक्टर में माँ बहन एक कर से तो गलती हो गई सर। हम लोग सर से नहीं साले साला बिहार एडमिनिस्ट्रेशन साला 32 साल है बिहार यहाँ का लोग आदमी ऐसा चेन्नई में आदमी साला पाए से चलता है। यहाँ देखे हो किसी को पाए से चलते लाल लाइट पे हॉर्न बजाते देखे हो चेन्नई में किसी को? यहाँ साला ट्रैफिक पे खड़ा होकर पै 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 हॉर्न बजाएगा देखे नहीं हो क्या तुम लोग? बेली रोड पे साला लाल लाइट भी है पै पै भी करेगा तो साला यहाँ का आदमी आदमी है भैया डिप्टी कलेक्टर साले का ये हाल है। अब मैं सालों की मैं अरे जरा दो चार लोग लिख के दो कागज पे साला डिप्टी कलेक्टर पे इनकी ऐसी दर्दी कर कल जरा भेजो उसको मेरे को मैं उसका इंसान बैठ में जाता हूँ और इसको 13 तारीख को। मालूम हो कि बिहार के सीनियर अधिकारी केके पाठक की छवि एक कड़क मिजाज और तेज तर्रार प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद से उन्हें हमेशा से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशेष तौर पर उन्हें मध्य निषेध विभाग की कमान सौंपी गई है। इन दिनों केके पाठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर के अब चर्चा भी शुरू हो गई है। और बासा ने इस वीडियो को लेकर के शेयर करते हुए केके पाठक के इस्तीफे की मांग कर दी है। मालूम हो कि नीतीश कुमार शुरू से ही प्रशासनिक जो उनके आला कमान जो सीनियर अधिकारी हैं और प्रशासनिक पकड़ को लेकर के ही नीतीश कुमार की चर्चा होते रहती है। इस बीच में जब केके पाठक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिहार की तुलना कर्नाटक से कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को देखो वो कैसे रेड लाइट में जब गाड़ियां रुकी होती है तब भी वो हॉर्न बजाते हैं, यानी कि उनका कहीं ना कहीं ये तात्पर्य है, ये कहने का उनका तात्पर्य है कि बिहार के लोगों में जो बुद्धि विवेक है ये की जो कमी है वो साफ तौर पर देखी जाती है और यहाँ पर नियमों का उल्लंघन होता है। उनका तेवर इस वीडियो में आप देख रहे होंगे किस तरह से उनके तेवर तल्ख है और उन्होंने कुर्सी से वो उठते हैं और जो तमाम वहां पे अधिकारी बैठे हुए होते हैं उन्हें ऑर्डर देते हैं और ये कहते हैं कि मुझे कुछ दिनों के अंदर में सारे मामलों की रिपोर्ट्स चाहिए और ये कहते हुए वो बाहर निकल जाते हैं। इधर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे इस बैठक में एक डिप्टी कलेक्टर को लेकर उन्होंने जमकर अपशब्द सुनाए। साथ ही साथ केके पाठक ने गुस्से में बिहार के लोगों को भी लपेटा। ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों की हरकतों को लेकर वो खुलकर बोलने लगे। केके पाठक इस वीडियो में कह रहे हैं कि यहाँ का आदमी क्या आदमी है, क्या ट्रैफिक सिग्नल पर देखा नहीं है, बाएं से किसी को देखा है क्या? देखे नहीं हो, बेली रोड पर लाइट है फिर भी पेपे पेपे करेगा, हॉर्न बजाएगा, ऐसा चेन्नई में कहीं देखा है क्या? अब अंत में इस वीडियो को लेकर के जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल इस वीडियो को लेकर के अलग अलग जगह पर अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल इसे लेकर के कहा जा रहा है कि केके पाठक बीपार्ड के डीजी भी हैं। बता रहे हैं कि बीपार्ड के ट्रेनिंग संबंध कुछ शिकायतें केके पाठक के खिलाफ की गई थी। इसी को लेकर केके पाठक भड़क गए और बैठक में उनका जो गुस्सा है वो लोगों के सामने आया और वो अपने अधिकारी को लेकर के वो गाली दे रहे हैं, साथ ही साथ बिहार के लोगों को भी अपशब्द कह रहे हैं। खैर, वायरल होते इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही बिहार सहित देश दुनिया के और भी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।